हेलो माय डियर स्टूडेंट हाउ आर यू वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सीवीज फिजिक्स ट्यूटोरियल द प्लेस वेर यू लर्न द जैकास्ट थिंग्स इन द फिजिक्स सो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ये वर्ल्ड आपके लिए नया होगा Plane. इसका मीनिंग क्या होता है? अभी तक हम सीधे रास्ते पे चल रहे थे अभी हमें हिल हिल स्टेशन पे जाना है, जब हम हिल स्टेशन पे जाते है? तो है, है, तो है. ठीक जब तो हम पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करवाएंगे तो उसके साथ क्या क्या फिनोमिना होगा मीन मैक्सिमम हाइट क्या होगी मैक्सिमम रेंज क्या होगी और रेंज क्या होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करें ठीक है तो आइए हम और आप साथ में मिलके स्टार्ट करते हैं अगेन वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ओके चलिए आइए बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है okay? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ओके okay? और के के बच्चों के लिए बहुत बहुत ही बढ़िया सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइए चलिए हम और आप साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन यह मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक है एनसीआरटी में आपको नहीं दिया होगा रेफरेंस बुक में आपको मिलेगा इज इट क्लियर और नॉट ओके okay, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन में अप्लाई कर चुके हैं वही यहां पे अप्लाई करना है सिर्फ कंसेप्ट को समझना फंडामेंटल को पकड़ना तो बहुत ही आसान चीज़ ये हमारे लिए बन जाएगी इज इट क्लियर और नॉट कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी टॉपिक है सिर्फ नया है तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हम बहुत ही स्लो 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 जाएंगे इतना स्पीडी में नहीं सीखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए देख हम तीन फॉर्मूला तो जानते हैं मोशन इन वन डी से जानते हैं वीवाई इज इक्वल टू तो यूवाई माइनस ए वाई इन टू टी सर वाई क्यों लिखा जब भी मैं वाई लिखूंगा तो इसका मीनिंग ये होता है कि हम वाई डिरेक्शन की बात करेंगे और हम एक्स लिखेंगे तो उसके बाद हम एक्स डिरेक्शन की बात करेंगे ठीक है सिमिलियरली ये वाला फॉर्मूला वीवाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एच एम एच एम हाइट मैक्सिमम हाइट ओके एंड सेकेंड वन एस एस का मीनिंग होता है यहाँ पे यू एक्स लिखा है तो सीधी सी बात है इसका यूज़ हम करेंगे मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए क्या निकालने के लिए मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए सॉरी मैक्सिमम तो बाद में करेंगे रेंज निकालने के लिए इसका यूज करेंगे ओके सो ध्यान से समझना कंसेप्ट को पकड़ना मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी इंक्लाइन प्लेन की बात आती है किसकी बात आती है बेटा इंक्लाइन प्लेन की बात आती है तो इंक्लाइन प्लेन का एक कंसेप्ट है ये ध्यान में रखना देख ये तेरी हॉरिजॉन्टल सरफेस ओके ये तू पहले इस टाइप के रोड पे चलता था अभी तेरा रोड इस टाइप का नहीं है अभी तेरा रोड इस टाइप का बन गया मेकिंग एन एंगल थीटा तू यहाँ से देख सकता है मेकिंग एन एंगल थीटा एंगल कोई भी हो लेकिन तेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा इज इट क्लियर इसका मीनिंग होता है कि तेरा जो जी होगा वो तेरा इस हिसाब से होगा लेकिन ये जी हम कब यूज कर सकते हैं बेटा ये जी जब हम ऐसे हॉरीजोंटल चल रहे होते हैं तो ये जी हम एक्ट करते हैं ये जी का हम यूज करते हैं ठीक है ठीके? लेकिन अभी तो हम ऐसे चल रहे हैं सर इसका मीनिंग ये कि आप ये कहना चाहते हो कि अभी हमारा पाथ ये नहीं अभी हमारा पाथ ये है यस दैट सीट अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दिस वन इज अवर पाथ तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे एक तो हॉरिजोटल एक तो वर्टिकल तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कंपोनेंट नहीं है तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा देख यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करेंगे अगर ये एंगल थीटा सीधी सी बात है तो ये एंगल तेरा 90 बनेगा तो ये एंगल तेरा 90 थीटा बनेगा बिकॉज़ ट्रायंगल है कितना बनेगा 90 थीटा तू देख सकता है ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा, तो सीधी सी बात है ये एंगल कितना बना तेरा थीटा बना इज इट क्लियर और नॉट तो कभी भी इंक्लाइन प्लेन की बेटा बात आती है तो ये चीज ध्यान में रखना अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये जो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाएगा ऑलवेज मेकिंग एन एंगल जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल होगा वही एंगल बनाएगा इज इट क्लियर और नॉट इसका मीनिंग सर ये हुआ कि जी के दो कंपोनेंट ये जी कॉस मैंने आपको सिखाया था जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको कॉस बोलेंगे और ये तुम्हारा दूसरा कंपोनेंट बन गया जी साइन थीटा वेरी वेरी मोस्ट हाई बेटा इज इट क्लियर और नॉट आपके दो कंपोनेंट मिले कितने कौन से दो कंपोनेंट मिले एक मिला जी साइन थीटा दूसरा मिला जी थीटा बस मुझे यही आपको सिखाना था ये नई चीज होगी आपके लिए इज इट क्लियर और नॉट समझ में आ रहा है हंड्रेड परसेंट श्योर ओके डन तो ये चीज ध्यान में रखना आइए चलिए हम और आप मिलके साथ में स्टार्ट करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन कैसे होता है तो मोशन इन अ प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन का आज ही हमारा मोशन इन अ प्लेन का फिफ्थ लेक्चर है लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है इज इट क्लियर चलिए आइए तो इसमें दो केसेस रहते हैं बेटा पहला केस देखेंगे अगर इंक्लाइन प्लेन इस टाइप का है और हम यहां से पार्टिकल को थ्रो करते हैं विथ एन इनिशियल वेलोसिटी यू ओके ये जो थीटा है ना बेटा वो थीटा है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है और ये जो यू है ना बेटा यू ये हमारी सरफेस ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये ये वाली सरफेस के साथ यू वेलोसिटी अल्फा एंगल बना रही है ठीक है तो अगर आप ये पूरा एंगल देखने जाओगे ये पूरा एंगल देखने जाओगे तो पूरा एंगल आपका होगा अल्फा प्लस थीटा क्या होगा बेटा अल्फा प्लस थीटा लेकिन वो अभी हम बात नहीं करेंगे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल को हम अल्फा एंगल पे ये इस एक्सिस के साथ अल्फा एंगल पे फेंक रहे हैं ठीक है तो अभी तू ध्यान से समझना जिस एक्सिस पे पार्टिकल से तूने फेंका और उसी एक्सिस पे पार्टिकल यहां पे आके गिरा तो ये एक्सिस को हम कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम दैट सर आप हम इसको एक्स नहीं ले सकते अरे बेटा इसको एक्स हम कब लेते जब ये तुम्हारा जो पाथ था वो ऐसे हॉरिजोनटल था लेकिन हमारा पाथ अभी हॉरिजोंटल नहीं है हमारा पाथ तो इंक्लाइन है ठीक है इंक्लाइन मीन्स ये हमारी एक्स एक्सिस का काम करेगी और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ये हमारी y एक्सिस का काम करेगी यू अंडरस्टैंड ये चीज़ पहले माइंड में डालो ये चीज पहले माइंड में डालो इज इट क्लियर ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस का काम करेगी इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस हमारा वाई एक्सिस का काम करेगी इज इट क्लियर और नॉट वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी की पॉइंट प्रोजेक्ट हॉरिजोंटल प्रोजेक्टाइल में सर ऐसा क्यों किया अरे बेटा तुम्हारा जो पाथ है वो ये वाला है या ये वाला है तो सर ये वाला है ठीक है तो सीधी सी बात है जो पाथ है उसको मैंने एक्स कर लिया और जो ऊपर जाता है उसको मैंने वाई कर लिया हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे बेटा ये हमारा पाथ पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया तो ये मेकिंग एन एंगल ठीक है एंगल्टल के साथ तो ये एक्स एक्सिस पे ही गिरता था कि नहीं अभी सोच ये जो एक्स एक्सिस थी उसको मैंने उठा लिया एक्स एक्सिस को उठा लिया तो ये हमारी एक्स एक्सिस बन गई ये हमारी वाई एक्सिस बन गई अरे इज इट क्लियर और नॉट समझ में आ रहा है क्या ओके डन ओके सर डन चलो मैंने आपको क्या बताया जो जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है? लेकिन अभी हमें जी की दो वैल्यू मिलेगी जी G जी साइन मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया तो देख तू यहां पे, देख तू यहां पे ये यह जो अलोंग द सरफेस है वहां पे जी sin थीटा इस तरफ लग रहा है तुम्हारा पार्टिकल इस तरफ जा रहा है इसका मीनिंग कि ये जो तुम्हारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर इन अपोजिट डिरेक्शन इसका मीनिंग तुम्हारी पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है यू अंडरस्टैंड मैंने आपको मोशन इन वनडी में समझाया था ओके okay? तो एट मैक्सिमम हाइट की अगर तू बात करे देखिए तेरी मैक्सिमम हाइट अगर तू मैक्सिमम हाइट की बात करे बेटा तो यहां से तू मैक्सिमम हाइट का कौन सा फार्मूला यूज़ करेगा ये वाला फार्मूला यूज़ करेगा मैक्सिमम हाइट पे वी की वैल्यू जीरो रहती है ये वाला फार्मूला डाल दे तुझे यहाँ पे एच मैक्स मिल जाएगा इज इट क्लियर और नॉट अगर तुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला मैक्सिमम हाइट पे वी वाई ज़ीरो ठीक है तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाने का टाइम ये टी ऊपर से नीचे आने का टाइम भी सेम रहता है तो टी की जो वैल्यू मिले उसे टू टी मिल टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सब चीज़ हम देख चुके हैं लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इंक्लाइन प्लेन में करनी है इसके लिए हमें कंपोनेंट निकालने आने चाहिए अभी तक बेटा हम लोगों ने क्या किया था जस्ट सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन थी सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन थी तो उसमें ए एक्स की वैल्यू हम लोगों ने हॉरिजोंटल एक्सेलरेशन जीरो लिया था और वर्टिकल एक्सेलरेशन माइनस जी लिया था Is it clear? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा यहां पे दोनों डिरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिलेगी तू देख सकता है देख ये मेरी एक्स एक्सिस तो ए वाई की वैल्यू तुझे मिलेगी माइनस जी कॉस थीटा और एक्स की वैल्यू तुझे मिलेगी माइनस जी साइन थीटा सर माइनस जी ऐसा क्यों बिकॉज माइनस जी इसलिए बेटा कि ये जो ओरिजिनल स्पीड है वो इस डिरशन में है तो जी साइन थीटा इस डरेक्शन में है ठीक है तो ये चार चीज़ें बेटा वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी अगर ये चार चीज़ें तुझे समझ में आ गई तो ये टॉपिक तेरे लिए बहुत ही इजी बन जाएगा देख ले एक बार फटाफट से देख एक बार अगेन तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ किसी भी एट एनी एंगल थीटा तो ये इंक्लाइन प्लेन है ब्लू वाली लाइन है वो ठीक है और यहाँ से यू स्पीड से अल्फा एंगल पर मैंने किसी पार्टिकल को थ्रो किया वो पार्टिकल यहाँ पर आके गिरा इज इट क्लियर और नॉट यहां पे आके गिरा तो यू के दो कंपोनेंट यू देख मेरे बेटा U cos अल्फा इस एक्सिस के साथ बनेगा अगर तू U cos अल्फा इस एक्सिस के साथ बनेगा तो वो तेरा रॉन्ग आंसर होगा क्योंकि मैंने क्या बोला ये अल्फा तो सिर्फ इतना ही है ना अल्फा सिर्फ यहाँ तक ही है ठीक है तो ये तेरा बन गया U cos अल्फा ये तेरा बन गया यू साइन इट क्लियर है ये जो पूरा है है वो थीटा एंगल पे हो रहा है. That's it. सर, 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 अब 2d 2d में में करके करके बताओ देख मैं 2D में तेरे को करके बताता हूं. ठीक है बहुत ही बढ़िया सी चीज है चल ये मैंने ये मैंने सभी इसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया सोच कि ये जो है मैं इसको कैसे है थीटा एंगल पे ही लेकिन मैं इसको 2D में लिखना चाहू तो कैसे लिख सकता हूँ देख ये रहा ये तूने जो प्रोजेक्टाइल किया वो ये प्रोजेक्टाइल ये u मेकिंग एन एंगल अल्फा अगर तू इसको रिप्रेजेंटेट करेगा तो तू यहां से देख सकता है दिस वन इज़ u अल्फा तो ये तेरा बना u अल्फा ओके ये तेरा बना u साइन अल्फा u साइन अल्फा ओके देख इसको तू ऐसे स्लैंड कर जे तो g की वैल्यू क्या मिली तो G डाउनवर्ड में तुझे मिलती है cos थीटा और इस डायरेक्शन में तुझे मिलती है जी साइन थीटा इज इट क्लियर और नॉट ओके बस खेल खत्म यही तुझे आना चाहिए देख दो कंपोनेंट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन आल्फा दैट्स इट जी के दो कंपोनेंट जी जी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉसा दैट इट खेल खत्म इज इट क्लियर और नॉट तुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है जो सिंपल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आता था सर सिंपल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारा बनता था टी इज इक्वल टू टू यू वाई अपॉन जी अभी यहाँ पे तो यू वाई ही रहेगा लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जी नहीं ए वाई लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सिंपल केस में ए वाई इज इक्वल टू जी था माइनस जी था यहाँ पे ए वाई इज इक्वल टू कुछ और है क्या है ay इज इक्वल टू मेरे बेटा तो एवाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस्टिटा माइनस की साइन अभी हम इग्नोर करते हैं बिकॉज ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं सो वॉट इज द आंसर टू यू वाई अपॉन देख मैंने लिखा है टू यू वाई अपॉन एवाई यूवाई की वैल्यू क्या है बेटा यू साइन अल्फा तो यू साइन अल्फा एवाई की वैल्यू क्या है बेटा ए वाई ए वाई ए वाई जी कॉस्टिटा तो डाल दे जी कॉस्टिटाट इज द फॉर्मूला सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टू यू साइन अल्फा अपॉन जी g वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी जब भी इस टाइप का आपको इंक्लाइन प्लेन दिया हो जब भी आपको इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन दिया हो तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा टी इज इक्वल टू टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस्टिटा वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी

ओके वेरी वेरी मोस्ट आई एम बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है ये उसके बाद सर चाहिए मैक्सिमम हाइट तो ये वाला कंसेप्ट यूज कर ले मैक्सिमम हाइट के लिए एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये वैल्यू तेरी जीरो आ जाएगी ओके okay, तो एच एम इज इक्वल टू वॉट माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉइंट टू ए वाई लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन भी माइनस आएगा ये माइनस आएगा माइनस माइनस छम छम हो जाएंगे सो एच एम इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉइंट टू ए वाई तो देख यहाँ पे एच एम इज इक्वल टू यू स्क्स यू आई की वैल्यू क्या है, तेरे पास? Ui की है u sin alpha, तो डाल दे यहां पे u sin alpha. Ay की वैल्यू है तो ये वैल्यू है जी कॉस्ट हिटा तो डाल दे जी कॉस्ट हिटा तो तेरा एच मैक्स का फॉर्मूला बेटा ये आ जाएगा इज इट क्लियर और नॉट वेरी वेरी मोस्ट हाई एम पी बेटा ये चीज ध्यान में रखना वेरी वेरी मोस्ट हाई एम पी इज इट क्लियर ओके समझ में आ रहा है क्या ओके सर डन चलो उसके बाद हमें निकालना है रेंज रेंज का मीनिंग क्या होता है पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचता है तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको रेंज बोलते हैं सिंपल प्रोजेक्टाइल में हम रेंज के लिए क्या यूज करते थे बेटा रेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम क्योंकि वहां पे एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं था अरे ऐसा सिंपल प्रोजेक्टाइल होता था तो एक्स एक्सिस में क्या नहीं था बेटा एक्स एक्सिस में क्या नहीं था एक्सेलरेशन जीरो था लेकिन यहाँ पे तो ये वाली एक्सिस हमने एक्स कंसीडर की है 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 पे तो एक्सेलरेशन है, कितनी जी साइन थीटा वो भी अपोजिट डिरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन माइनस जी साइन थीटा है तो जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एस तो एस की जगह पर रेंज आर इज इक्वल टू यू एक्स तो यू एक्स कौन सा है यू कॉस अल्फा तो यू कॉस आल्फा इंटू टी मीन्स यहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस की जगह पे माइनस हाफ इसलिए रिखा बिकॉज एक्सेलरेशन आपकी एक्स डिरेक्शन में कितनी है बेटा माइनस जी साइन थीटा तो यहां पे प्लस हाफ आता लेकिन एक्सेलरेशन माइनस जी साइन थीटा तो प्लस माइनस 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 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर ठीक है यहां से आप रेंज का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो इससे आगे हम लोग एग्जाम्पल में डायरेक्ट लिखेंगे तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग रेंज भी फाइंड कर सकते हैं इज इट क्लियर और नॉट सो बेटा बेसिकली ये चीज ध्यान में रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल बात कौन सी है ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसके ये चार कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है बाकी आपको पता चलना चाहिए कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है आप इजीली फार्मूला बना सकते हो फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला रटने की इज इट क्लियर समझ में आ रहा है ओके सो दीज आर द थ्री वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी फार्मूला वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी फार्मूला बाई यूजिंग दिस थ्री फॉर्मूलाज यू कैन कैलकुलेट एनी टाइप ऑफ डेटा ओके अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का डेटा दिया है हम लोग जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि हम लोग ये कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया है इज इट क्लियर और नॉट समझ में आ रहा है ओके डन ओके सो दिस आर प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन ओके जब भी पार्टिकल प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन अप द प्लेन मीन्स ऊपर की ओर जाता है पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर चलता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहता है मैक्सिमम हाइट क्या रहती है और रेंज क्या रहती है इसके बारे में हम लोगों ने देखा ओके okay, और ये इसके कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे ओके okay? मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया था सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल पोज द स्क्रीन एंड नॉट इट डाउन इसके बाद हम इसके सेकेंड वाले केस की बात करेंगे नोट कर लो फटाफट से ओके सो फर्स्ट केस में हम लोगों ने देखा बेटा प्रोजेक्शन अप द प्लेन नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन डाउन द प्लेन यहां पे देख पार्टिकल को प्रोजेक्टेड हम यहां से कर रहे हैं ठीक है और डाउन द प्लेन मीन्स पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है इज इट क्लियर और नॉट सेम थिंग मेकिंग एन एंगल थीटा ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है ओके okay? तो अभी आपको बेटा पता चलना चाहिए कि हमारे लिए जो एक्स एक्सीज का काम करेगी वो ये वाली एक्सीज होगी दिस वन इज जवर एक्स एक्सीज और यहां से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दिस वन इज जवर वाई एक्सीज इज इट क्लियर और नॉट ओके यहां पे यू है तो यू के दो कंपोनेंट निकलेंगे बेटा ये तुम्हारा बनेगा यू साइन अल्फा और जिस एक्सीज के साथ एंगल अल्फ़ा बन रहा है यू तम यू तुम्हारे लिए बनेगा यू कॉस अल्फा। इज इट क्लियर और नॉट ये आपके लिए बनेगी मैक्सिमम हाइट सीधी सी बात है सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे और कोई नहीं तो तू यहाँ से देख सकता है बेटा ए एक्स इज इक्वल टू सॉरी यू एक्स और यू वाई तेरे लिए क्या बनेगा बेटा तू यहाँ से इजिली देख सकता है यू एक्स इज इक्वल टू वॉट सो सर वी विल राइट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस वेरी गुड यूवा इज इक्वल टू वॉट यूवा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा वेरी गुड अगर तू बेटा ए एक्स की बात करें एक्स मीन्स एक्स एक्स की डिरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है तो तू यहाँ से देख सकता है यहाँ पर जी जी के मैंने दो कम्पोनेंट निकाले जी साइन ठीटा जी कॉस ठीठा तो यू कॉस अल्फा मीन्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डशन सो वी विल राइट ए एक्स इज इक्वल टू जी साइन ठीटा ए वाई तो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रही है तो ए वाई इज इक्वल टू वॉट एज इक्वल टू माइनस जी कॉस्टी पे प्लस जी साइन थीटा आता है बाकी सब चीजें सेम है हाँ बेटा सेम है चल अभी मुझे क्या फाइंड करना है बेटा अभी मुझे फाइंड करना है सोच मैक्सिमम सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वही फॉर्मूला रहेगा तेरा T इज इक्वल टू टू यू वाई अपॉन ए वाई कोई चेंज नहीं आएगा इज इट क्लियर और नॉट ओके यू वाई की वैल्यू डाल दे, U साइन अल्फा और ए वाई की वैल्यू डाल दे, G कॉस्ट थीटा तो यहां पे आएगा G कॉस्ट थीटा सर आप माइनस का लोचा सम, लोचा नहीं है बेटा देख यहां पे, देख 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 अगर मैंने ये वाला मैक्सिमम मीन्स पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगता है मीन्स यहाँ से यहाँ जाने में मैं टाइम फाइंड कर लूँगा उसका डबल कर दूँगा तो यहाँ पे v ज़ीरो ज़ीरो रहती है मैक्सिमम हाइट पे ओके okay? तो तू यहाँ पे देख हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हम वाई डिरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पे वाई लिखेंगे माइनस यू वाई कितना है तो यू वाई की वैल्यू यू साइन अल्फा तो यहां पे डाल यू साइन अल्फा इज इट क्लियर और नॉट ए वाई की वैल्यू क्या है ए वाई की वैल्यू माइनस जी थीटा माइनस जी थीटा इंटू टी ओके तो तू यहां से देख सकता है माइनस से माइनस छम छम हो गया इज इक्वल टू तुझे मिला यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस्टिटा यह तुझे पार्टिकल को यहां से मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है तो टू से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा देख टू यू साइन अल्फा अपॉन जी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा इज इट क्लियर बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है बेटा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंसेप्चुअली समझोगे तो मजा आएगा इज इट क्लियर डन ओके वेरी गुड एक्सीलेंट सेम थिंग सर अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट का भी हम लोगों के पास फॉर्मूला है बेटा कौन सा फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का बेटा बताओ जो सर वो वाला फॉर्मूला है ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हाँ वेरी गुड ये वाला कंसेप्ट देख वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई एच मैक्स तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो माइनस यू वाई स्क्वायर तो यहाँ पे डाल दे यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई इन टू एच एच को सब्जेक्ट बना दे सो एच इज इक्वल टू माइनस यू वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन टू ए वाई देख यहां पे भी तेरा माइनस छम छम हो जाएगा कैसे है यूवाई की वैल्यू क्या है तेरे पास यू साइन अल्फा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आल्फा हो जाएगा माइनस तो आगे है ना बेटा हमें यूवाई की जगह पे ही लिखना है सर आप ऐसा बोलोगे कि माइनस का स्क्वायर माइनस तो सिग्नेचर है पहले से ही ये यूवाई अकेला का स्क्वायर है अगर ऐसा होता आपके पास ऐसा होता आपके पास माइनस यूवाई का होल स्क्वायर तो ये प्लस होता ये तो पहले से यूवाई का स्क्वायर है और आगे माइनस का साइन है तो ये प्लस नहीं होगा इज इट क्लियर और नॉट तो यहां पे देख एच इज इक्वल टू यू स्क्न टू ए वाई ये मैंने याद रखने के लिए माइनस का साइन एलिमिनेट कर दिया है ठीक है तो आप यहाँ वैल्यू डालोगे थीटा तो minus से minus चम चम हो जाएगा आंसर ऑफ मैक्सिमम हाइट जो पहले आता था वही यहीं पे आएगा दिस वन इज एच यू स्क्वेर साइन स्क्वे अल्फा अपॉन टू जी कॉस थीटा दैट्स इट अरे समझ में आ रहे है क्या ओके okay, सर आवे समझ में सर ओके डन फाइन नाउ नेक्स्ट वन अगर मुझे फाइन करना है पार्टिकल की रेंज अगर आपको रेंज फाइन करनी है तो यही कंसेप्ट यूज करना होगा एस इज इक्वल टू यहाँ पे एक बेनिफिट ये रहेगा बेटा कि ये जो आपकी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है बोथ आर इन सेम डशन तो ए एक्स में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी वहां पे सिर्फ नेगेटिव आ रही थी बिकॉज फर्स्ट वाले केस में क्या होता है बेटा पार्टिकल ऊपर जाता है एक्सेलरेशन ऐसे रहता है तो बोथ आर इन अपोजिट डिरेक्शन वहां पे फर्स्ट वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का एक्सेलरेशन अपोज कर रही थी यहां पे वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रही है ठीक है तो रेंज का फॉर्मूला बनेगा ये वाला यू एक्स यू एक्स मीन यू कॉस अल्फा टी प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर जी साइन थीटा पॉजिटिव बिकॉज एक्स डिरेक्शन में पॉजिटिव है इज इट क्लियर और नॉट समझ में आया क्या हंड्रेड परसेंट श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं ना बहुत ही बढ़िया सा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये हमारा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन ओके इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसके क्या क्या फिनोमेना रहता है ठीक है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाता है ठीक है बाद में रिलेटिव वेलोसिटी और उसमें आता है लेकिन जो प्योर प्रोजेक्टाइल मोशन रहता है वो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन दैट्स खत्म अभी यहाँ से कंसेप्ट शुरू होंगे कि आप ये कंसेप्ट यूज करो आप ये कंसेप्ट अप्लाई करो और प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करो ठीक है तो इतने अगर प्रोजेक्टल मोशन में अगर आपका इतना कंसेप्ट क्लियर है इतना कंसेप्ट क्लियर है तो बेसिक लेवल के एग्जाम्पल्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और हम एम भी सॉल्यूशन करने की बहुत अच्छी तरह से ट्राई करेंगे इज इट क्लियर और नॉट लेकिन इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है श्योर ओके डन आई होप आपको यह आज का वीडियो लेक्चर भी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अगर समझ में नहीं आती है बेटा कोई चीज है तो अगेन दो बार एक बार चेक कर लो रिवाइंड करके और आपको अगेन कोई भी छोटी छोटी क्वेरी रहती है तो डेफिनेटली आप सीधा मेरा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करो ओके सो so, प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नॉट इट डाउन थैंक यू थैंक यू सो मच मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू